Hello guys, today we are going to make a program in Java that how to find a greatest number. Okay guys, तो सबसे पहले हमें इसमें import करा लेना है इस Java scanner को. तो import java.util, we all know about this util.scanner. फिर ओके गाइस, अब इसके अंदर हम अपना स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ये हम इस sc के नाम से एक अपना वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं. न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो आगे हम इनपुट करा लेते हैं यूजर से 3 नंबर्स, और वो 3 नंबर्स होंगे इंटर 3 नंबर्स. ओके, अब हम स्कैन करा लेंगे इंट ए इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. अगला इनपुट जो हमारा होगा हम उसे बी में स्टोर करा लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट. हमारा जो जैसे हमें 3 नंबर्स में कंपैरिजन करना है, 4 नंबर में, जितना भी हो हम अपना वेरिएबल लेकर कर सकते हैं. तो हमने तीनों इनपुट्स ले लिए हैं यूज़र से, अब हमें इसके लिए कंडीशन अप्लाई करना है जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि इन तीनों नंबर्स में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नहीं. तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ हमें करना है कंपैरिजन, इसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है. जैसे हम 3 नंबर्स में अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड एंड ऑपरेटर. उसके बाद फिर हम ए को चेक करेंगे कि क्या वो सी से भी ग्रेटर देन है या नहीं. अगर है तो हमें प्रिंट करा देना है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. इसके अंदर हम लिख देंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज यहाँ पर हम असाइन करा देंगे ए की वैल्यू को. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, अगली कंडीशन हम चेक करवा लेंगे इफ नो, यहाँ पर एल्स एफ लगेगा, एल्स एफ. अगली हमारी कंडीशन क्या होगी, हम सेम एज इट इज़ बी को भी चेक करेंगे कि क्या वो ए और सी से बड़ा है या नहीं है. तो हम चेक करेंगे बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड. एंड का मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. अगर ए बी से बड़ा है तब, और जब ए सी से भी बड़ा है तब हमारा ये आउटपुट होगा, और नहीं होगा इनमें से ए भी कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं तो वो ऐसा नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे ही हम बी में भी चेक कर लेते हैं. अब बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड ऑपरेटर, और बी इज़ ग्रेटर दैन सी. ओके, तो हमने ए और सी से दोनों से कंपेरिजन करवा लिया है. अब आगे हम इसमें क्या प्रिंट करा देंगे, इसमें हमें प्रिंट कराना है द ग्रेटेस्ट नंबर इज बी. जो बी में वैल्यू होगी वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा. ठीक है, आगे हम तीसरा जो, अब 2 नंबर्स को तो हमने चेक कर लिया है, यहाँ पर जो तीसरा नंबर होगा वो हमारा ऑटोमेटिक ग्रेटेस्ट नंबर ही होगा अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होती हैं. तो इसका मतलब कि जो 3rd नंबर बचा हुआ है अपना सी वाला, वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर. अब यहाँ पर हम लिख देंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ Q
क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। अब हम आउटपुट को चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई एरर आई थिंक कि कोई एरर नहीं रही होगी। ओके, इसमें एक एरर दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं ये क्या दिखा रहा है। सिंटेक्स एरर इंसर्ट टू कंप्लीट, वो एरर दिखा रहा था, वो दरअसल कुछ नहीं था, मिस्टेक थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एरर दिखाता है बट रहता नहीं, तो रन कराने पे नहीं होता ऐसा कुछ। देखते हैं अब ये कह रहा है इंटर थ्री नंबर्स। पहला नंबर हम ले लेते हैं सपोज हमने लिया 23, सेकेंड नंबर हम लेते हैं 34 और थर्ड हम ले लेते हैं 9, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 34। ओके, हम अगेन चेक कर लेते हैं एक और कुछ इनपुट लेकर, जैसे कि अगेन हम चेक करते हैं, सपोज हमने 9 इंटर किया, 4 यहाँ पर 1 इंटर कर दिया और ये 0 इंटर कर दिया, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 9। ओके, थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही प्रोग्रामिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद जय भारत।